जी पैन में मैंने प्याज ऐड कर दी है, फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो है प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हम जो है वो फ्रिज के अंदर स्टेप बाय स्टेप सब शामिल करते हैं। जी अब सारे मसाले शामिल करते हैं, ज़ीरा, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, हर चीज़ शामिल करके उसके साथ मिक्स करते हैं मसाले को। जी अब टमाटर शामिल करते हैं सारे। जी मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब बाकी मसाला जो है ये हमारे तुरइयों के साथ जो है वो अच्छी तरह बिल्कुल मैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तुरइयाँ शामिल करें। अच्छा, सारे मसाले जब शामिल किए थे तो उसी के साथ जो है वो नेशनल का जो है वो सब्ज़ी मसाला जो है वो 1 टीस्पून शामिल कर दिया था, और सारे स्पाइसेस और काली मिर्चें जितने भी मैंने आपको नोट डाउन कराए थे सब इसमें ऐड कर दिए थे। गर्मियों का मौसम है, तुरई बेहद फ़ायदेमंद और बेहद हेल्दी वेजिटेबल है, इसे ज़रूर बनाएं। और इसे बिल्कुल मैं इसे चावल राइस के साथ सर्व करूंगी, इसके साथ मैं ज़ीरा राइस रेडी करूंगी, रोटी के साथ, चपाती के साथ इसे सर्व करें। अब थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करते हैं और अब इसे जो है वो हम कवर अप कर देते हैं, इसमें पानी नहीं जाएगा क्योंकि तुरई का अपना पानी होगा, उसी में ये कम्प्लीट हमारी कुक हो जाएंगी।